नमस्कार स्वागत है आपका एडवाइंस इंडिया पर मैं हूं नवीन चौहान इस वक्त हूं माँ शाह के दरबार में और यहां का आशीर्वाद 2017 में बीजेपी को मिला था क्योंकि उन्होंने अपने अभियान की शुरुआत यहीं से की थी और अब तारीख 2019 दिखा रही है यानी कि 2019 की चुनावी शुरुआत भी शाह के ही दरबार से है और ये देख सकते हैं आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चुनावी सभा के लिए यहाँ पर

आप गठबंधन मिल चुका है क्या धड़कने बीजेपी की बढ़ी हुई है देखिए उपचुनाव का तो अब इसे ही खत्म होगा ये लड़ाई आर पार की है और जिस प्रकार 2014 में इस देश की जनता ने प्रधानमंत्री विश्वास किया है और उसी प्रकार से मान्य उत्तर प्रदेश के अंदर जो अपना चुनाव हुआ था 2017 के अंदर यहाँ पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और निश्चित तौर से वही आगाज़ माननीय मुख्यमंत्री जी इस 2019 का आगाज़ करने के लिए जनपद सहारनपुर और उत्तर प्रदेश की लोकसभा नंबर एक से यहाँ से माता सागुमरी देवी का आशीर्वाद प्राप्त करने के साथ साथ यहाँ इसी स्थल पर एक चुनावी सभा को संबोधित करेंगे और यहीं से ही 2019 का आगाज़ शुरू करेंगे वाकई आगाज़ शुरू करेंगे लेकिन कहीं ना कहीं एक सीटों का आंकड़ा उत्तर प्रदेश में बीजेपी और हमारे शीर्ष नेतृत्व का जो लक्ष्य है तिहत्तर प्लस का तिहत्तर प्लस का।, का है और निश्चित तौर से जो आज जनता की आवाज है ये बिल्कुल मुझे लगता है कि तिहत्तर प्लस को ही पार करेगी निश्चित तौर से और अपना जनपद सहारनपुर की के अंदर हमारे दो लोकसभा पड़ती हैं कैराना और सहारनपुर निश्चित तौर से हम यहाँ से जीत रहे हैं देखिए हमारा मुख्य मुद्दा विकास का है और देश की सुरक्षा का है जन जन बच्चे बच्चे की जुबान पे है कि देश की सुरक्षा और विदेश नीति में हम लोगों ने बहुत बड़ा कार्य किया है और विकास आप देख रहे हैं पूरे देश में सड़कों का जाल जिस तरीके से बिछाया गया है जिस तरीके से ऑनलाइन करके करप्शन को हटाया गया है निश्चित रूप से आम जनमानस इसी चीज को देखता है और इसका हमें लाभ मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से यहाँ से जीत के जाएगी यहाँ से जीत के जाएगी राहुल गांधी कह रहे हैं कि नीरव मोदी को भगा दिया जो जो तिजोरी थी उस पर पंजा लग गया और चौकीदार बैठा देखता रहा क्या सवाल पूरी तरह से उठ रहे हैं इस देश में पता नहीं कितने लोग पहले भी भागे हैं लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि भागने के बाद भी उसको पकड़ने का काम यदि कोई कर रहा है तो हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी कर रही है आपने दो दिन पहले खबर आपको मिल गई होगी कि लंदन के अंदर नीरव मोदी जी गिरफ्तार हुए हैं और बहुत जल्दी वो भारत आने वाले हैं हम लोग किसी भी भगोड़े को छोड़ने वाले नहीं है तो सैना का इस्तेमाल वोट के लिए कर रही है बीजेपी सवाल पूछ रहा है विपक्ष देखिए उनके पास कोई मुद्दा तो है नहीं बात कुछ है नहीं और कुछ कर नहीं सकते तो जनता को भ्रमित करने के लिए इस तरह की बेमतलब की बयानबाजी कर रहे हैं और जनता इस चीज को देख रही है कि सेना के ऊपर जो हमारे देश की रक्षा करते हैं उनके ऊपर उंगली उठाने वाले को ये जनता इस चुनाव में जवाब देगी जवाब देगी जवाब देगी तेईस तारीख को पिटारा खुलेगा क्या निकलेगा बिल्कुल निश्चित तौर से ऐतिहासिक निर्णय निकलेगा यहाँ से जनपद सहारनपुर मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश का नंबर एक यहाँ से सीट है और पिटारा यहाँ से माता साकुमरी की देवी के दर चरणों से खुलेगा और जो तिहत्तर प्लस है वो बिल्कुल आंकड़ा साफ साफ होगा उत्तर प्रदेश में तिहत्तर तिहत्तर प्लस हम सुनिए तो बीजेपी नेता ढूंढने से ना मिले कि कहाँ चले बीजेपी नेता हमेशा ही रहे हैं और ही रहेंगे हम और आप फिर जिस दिन आंकड़ा खुलेंगे बिल्कुल निश्चित तौर से मिलेंगे मैं पूरा विश्वास के साथ कह रहा हूँ हम जो राष्ट्राध्यक्ष जी का निर्णय है निश्चित तौर से वो हमेशा सत्य और अटल रहा है और इस बार भी 73 प्लस से जाएगा 73 प्लस जाएगा तो आश्वस्त है बीजेपी नेता लगातार ये बात हो रही है कि 73 प्लस का आंकड़ा दिखाई देगा ऐसे में कैसी तस्वीर होगी 23 तारीख को पल-पल की अपडेट लगातार हेडलाइन से दिया आपको देता रहेगा इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए